नमस्कार, मैं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। किससे किसकी है यारी, किसको मिलेगी जिम्मेदारी। पिछले दो दिन से राजस्थान में बड़े सियासी बदलाव होते जा रहे हैं। कल राजस्थान कांग्रेस को लेकर दिल्ली में बड़ी मीटिंग चली थी, जिसमें आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। वैसे ही मानो बीजेपी ताक में ही बैठी थी। कांग्रेस की मीटिंग होते ही आज यानी 7 जुलाई को वसुंधरा राजे को केंद्र से बुलावा आ गया है। जी हां, आज राजे दिल्ली पहुंच चुकी हैं और आगामी चुनाव की तैयारियों की बातचीत होगी। जिस तरह देखा जा रहा था, भाजपा से दिग्गज नेता बारी बारी से राजस्थान दौरे पर आ रहे थे, जिसमें मंच पर राजे भी अपने भाषणों में खूब गर्जी हैं। जिस तरह मंच पर प्रदेश अध्यक्ष के बाद वसुंधरा राजे का भाषण रहा, यहां तक कि अमित शाह के उदयपुर के दौरे पर शाह ने खुद इशारा किया राजे को कि वे पहले अपना संबोधन करें। राजे ने राजस्थान में भाजपा की 2 बार सरकार बनाई है। राजे की सियासी पकड़ मजबूत है। हालांकि पिछले चुनाव में हार का एक बड़ा कारण ये भी बताया जाता है कि राजे ने पिछले चुनाव में अपने पुराने लोगों को टिकट दिलवाया था। राजे का कहना था कि मैं अपने पुराने लोगों को टिकट दिलवाऊंगी, ये मेरे पुराने लोग हैं। इस बात का फायदा गहलोत को हुआ, क्योंकि राजे के खेमे के पुराने लोग वे थे जिनके जीतने की संभावनाएं कम थी, और गहलोत ने जैसे तैसे घटजोड़ करके राजस्थान में अपनी सरकार कायम कर ली और तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन राजस्थान में बीजेपी की मजबूती का अंश मानी जाती है राजे, इसलिए आज केंद्र से भी राजे को बुलावा आ गया है। कल कांग्रेस पार्टी की मीटिंग के बाद राजस्थान भाजपा के लिए मुसीबतें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि एक तरफ गहलोत साहब अपनी योजनाओं की बरसात करे जा रहे हैं, अब तो पायलट ने भी कह दिया कि जो मैंने मांगे उठाई थी उनका परिणाम जल्द ही राजस्थान की जनता के सामने होगा। अब कांग्रेस की नई चाल भाजपा के लिए पड़ सकती है भारी। आज की मीटिंग के क्या कुछ नए सियासी मायने रहेंगे, क्या वसुंधरा राजे को कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, इन सब पर आपका क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं आपके साथ नेहा शर्मा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।